इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने चाचा नेहरू अस्पताल का किया दौरा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर और नर्स का चल रहा है प्रशिक्षण। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सीख लेते हुए कोरोना वायरस की संभवतः तीसरी लहर को लेकर इंदौर जिला प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए जो अस्पतालों में तैयारियां की जा रही है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को किस तरह से उपचार देना है, इसको लेकर इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। मीडिया से चर्चा में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष तैयारी की जा रही है, उसमें अस्पताल में भी अलग से बेड लगाए गए हैं। वह इंदौर के निजी अस्पताल व शासकीय अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को विशेष तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले बच्चों को किस तरह से इलाज मुहैया करना है, उन्हें दवाइयों की कितनी खुराक देना है, वह ICMR एम्स यूनिसेफ द्वारा जो उपचार जारी किया गया है उसको स्टडी करके विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दिनों में देखने में आया था कि बच्चों को भी हाई डोज दिया गया था, उसी को ध्यान में रखकर निजी अस्पताल व शासकीय अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। गौरतलब है कि संभवतः ये तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए घातक बताया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। थर्ड वेव आ रही है, स्पेशलिस्ट को लेकर आप देखिए, तीसरी वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है और हर जगह चर्चा चल रही है, तो उसको देखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चे न्यूनेटल हो सकते हैं 1 महीने तक के अथवा 14 वर्ष तक के हो सकते हैं, उनके लिए विशेष तैयारियां सभी जगह की जा रही हैं, उसमें इंदौर में भी की जा रही हैं। उसके लिए अलग से बेड की स्ट्रेंथ निकाली गई है, हर अस्पताल में कन्वर्जेंस किए गए हैं नॉर्मल बेड्स को पेडियाट्रिक बेड्स में या न्यूनेटल में या मैटरनल हेल्थ के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए। और जो फिजिकल तैयारियाँ हैं उस अस्पतालों में, जिसमें कि बिस्तर लगाना है या मेडिकल इक्विपमेंट्स करना है या मेडिकल फर्नीचर बनाना है, उसके साथ साथ वहाँ की जो नर्सेज हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, कई जगह पे पेडियाट्रिक केयर और मेटरनल केयर अभी है नहीं सब्जेक्ट के हॉस्पिटल्स, तो वहाँ की नर्सेज और डॉक्टर्स ने अभी तक देखा नहीं है उस तरह का, स्पेशली नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने, उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। तो आज यहाँ ट्रेनिंग निरंतर चल रही है 7-8 दिनों से अभी, और फर्दर 10 दिन तक चलेगी है। डॉक्टर हेमंत जैन जो सुप्रिटेंडेंट हैं चाचा नेहरू के, इनके सपोर्ट लिया था हम लोगों ने और रिक्वेस्ट डीन साहब से किया था कि यहाँ के हम लोग जो क्लासरूम सेशंस हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए, उसमें ट्रेनिंग दीजिए, तो डीन साहब ने यहाँ प्रोवाइड कराया है, तो यहीं पे पूरी ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं। ट्रेनिंग सेशंस में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मान लीजिए कि अगर वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर को किस प्रकार से ऑपरेट करना है, बच्चों पे CPAP या छोटा वाला BiPAP किस प्रकार से यूज़ करना है, ये सब डिटेल ट्रेनिंग इनको हैंड्स ऑन भी दी जा रही है। इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी इस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बड़ों के लिए तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगभग फाइनलाइज हो गया पिछले 1.5 सालों में, किस प्रकार ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बच्चों पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अभी तक जो सेकेंड वेव में बच्चे हुए थे तो कहीं पर एक बहुत सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, कहीं पर बड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो उसके लिए यहाँ जो चूँकि चाचा नेहरू और सब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और यहाँ के डॉक्टर हेमंत जैन की सबकी इसमें एक तरह से अथॉरिटी माने जाते हैं पेडियाट्रिक्स केस में, इन लोगों ने ICMR के द्वारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया है, एम्स के द्वारा जो जारी किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है, और एक फॉक्सी करके ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर्स का, और एक IAP है पेडियाट्रिक डॉक्टर्स का एसोसिएशन, इन सब ने अपने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं, उन सबको स्टडी करके एक सॉफ्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉलो किया है, जो सभी इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स एडवाइस किए गए हैं अब तक, और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को यहाँ डॉक्टर्स को बतलाया जा रहा है सभी शहर के निजी अस्पतालों के भी और सरकारी अस्पतालों के भी, ताकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर हम लोग इस बार काफ़ी सख्ती रखेंगे। कोई भी हॉस्पिटल हो जो यहाँ चाचा नेहरू की इस ट्रेनिंग में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डॉक्टर्स को बताया जा रहा है उससे हम लोग डिफ्लेक्ट नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि पिछली बार कई छोटे बच्चों को हम लोगों ने देखा बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया गया उनको, कई जगह उनको स्टीरॉयड्स दिए गए, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे दी गई, वो बच्चों को एडवाइजेबल नहीं है इस तरह से, जब तक कि बहुत ही कोई सीवियर केस ना हो बच्चों का, वो एडवाइजेबल रहता है पर एक सीवियरिटी पर डिपेंड करता है बच्चों की, नॉन सीवियर केसेस में भी इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को भी हम लोगों को सख्ती से मॉनिटर करना है इस बार, अगर ऐसी कोई संभावना जो व्यक्त की जा रही है, ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है,
तो जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण है, नर्सेज की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग देना, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं बच्चों पे लगेंगे, न्यू नेटल पे लगेंगे, उन मेडिकल इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देना, कैसे ऑपरेट करना है उसको, बच्चों के ऊपर फिट कैसे करना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें यहाँ चाचा नेहरू में आ रही थी, जिसको आज मैं देखने आया था। और मैं बधाई देता हूँ डीन साहब को भी, चाचा नेहरू के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हेमंत जैन को भी, और उनकी पूरी टीम को। बहुत ही उत्साह से मैंने सारे डॉक्टर से ही मिला यहाँ के, अभी जो लोग इस स्टडी वाले में ट्रेनिंग पार्ट में जो लेक्चर्स दे रहे हैं, जो स्पीकर्स हैं, बहुत उत्साह है डॉक्टर्स में। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्सेज डॉक्टर्स आए हैं ट्रेनिंग के लिए, अब अन्य हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं इनके, और बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं सभी लोग। तो मैं इस पूरी टीम को, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो ट्रेनिंग दे रही है पूरे शहर के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के नर्सेज, उनको शुभकामनाएं दूंगा, और शहर की तरफ से धन्यवाद भी दूंगा कि एक बच्चों की केयर के लिए बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग के रूप में।